बुधवार की रात को नगर निगम दुर्ग कमिश्नर पूरे अमले के साथ इंदिरा मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्यवाही की। पिछले कुछ दिनों से दुर्ग में कोरोना तेजी से फैल रहा है। प्रशासन के द्वारा बार बार अपील करने के बाद भी लोग जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। बुधवार को भी इंदिरा मार्केट में लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए, जहां उन पर निगम आयुक्त ने चालानी कार्यवाही की एवं पूरब टाइम्स न्यूज टीम को कुछ इस तरह से जानकारी दी। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई के लिए हमारे पूरे नगर निगम की टीम निकली हुई है, और इसमें हम माइकिंग भी करते जा रहे हैं और लोगों को समझाई भी देते जा रहे हैं, और जो कई लोग ऐसे हैं जो मान नहीं रहे हैं उनको हम बिल्कुल कार्रवाई भी करते जा रहे हैं, उन पर पेनल्टी भी लगाते जा रहे हैं। ये चूँकि कार्रवाई अभी लगातार 2-3 दिन से चली आ रही है, तो अभी ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग 90% लोग मास्क के आदि होते जा रहे हैं और हो गए हैं। 10% जो है उनको हमको सुधारना है, और वो धीरे धीरे सुधार आ ही जाएगा, और हमारे निकलने से काफ़ी ज़्यादा फर्क भी पड़ रहा है। और ये कार्रवाई जो है लगातार सभी इलाका में लगातार अलग अलग टीम बनी हुई है, और ये सभी इलाका में कंटिन्यू जारी रहेगी। सर, पब्लिक से कोई अपील करना चाहिए? पब्लिक से मेरी अपील यही है कि चूँकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, तो दंडात्मक कार्रवाई के बदले में स्वयं ही इसको समझें, इस चीज़ को कितनी गंभीर वाला मामला है ये। और मार्केट जब निकल रहे हैं तो मास्क पहनकर निकलें, और फिर सोशल डिस्टेंस का पालन भी करें, ताकि शहर को बचाया जा सके।